नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आप द फ्रीडम पर देख रहे हैं अगस्त क्रांति में बिहार, और अगस्त क्रांति और बिहार के नाम को उच्चतम शिखर पर ले जाने वाली महत्वपूर्ण घटना सचिवालय, पटना सचिवालय पर झंडा फहराते हुए सात छात्रों के शहीद हो जाने की घटना के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बारी बारी से सातों शहीद छात्रों के बारे में जानकारी साझा की जा रही है। आज का ये वीडियो है शहीद राम गोविंद सिंह के बारे में। शहीद राम गोविंद सिंह के बारे में पहले से भी एक बड़ा विस्तृत वीडियो उनके जीवन के महत्वपूर्ण पलों को लेते हुए, सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को संयोते हुए पहले से बनाया गया है, और ऊपर आपके स्क्रीन पर कार्ड जो दिखाई दे रहा है वहाँ उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। शहीद राम गोविंद सिंह अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। 1925 ईस्वी में देवकी नंदन सिंह की पत्नी राम कुमार देवी की कोख से शहीद राम गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, पटना जिला के दशरथा गांव में। हालांकि बाद में उनके पिता देवकी नंदन सिंह ने दूसरी शादी भी की थी, जब बहुत कम उम्र में ही ये राम गोविंद सिंह की माँ राम कुमार देवी की मृत्यु हो गई थी, और फिर सौतेली माँ से भी उनकी दो बेटियां हुई। वो सारा जिक्र उस विस्तृत वीडियो में है। अभी हम लोग संक्षेप में इसका इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सात शहीदों का एक जगह जिक्र आ जाए। इकलौते पुत्र थे अपने पिता के, और अच्छी खासी जमीन जायदाद थी, इसलिए बहुत ही लाड़ प्यार से इनका जीवन बीत रहा था। पढ़ाई में इनका मन कम लगता था, खेल कूद और नाटक वगैरह में इनका मन या पहलवानी में अधिक लगता था। अपने ननिहाल में जो गोपालपुर मनेर थाना में है, पटना जिला में ही, प्रायः वो वहाँ चले जाते थे। वहाँ जा करके वहाँ के जो स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी थे उन सब से देश प्रेम की या देश में जो कुछ भी उस समय हलचल हो रही थी आज़ादी को लेकर के वो कहानियाँ सुना करते थे। इसके कारण ये हुआ कि देश प्रेम का अंकुर बचपन से ही इनके अंदर फूटने लगा, प्रस्फुटित होने लगा, मतलब देश प्रेम जन्म लेने लगा। इनकी शुरुआती शिक्षा कुरथौल प्राइमरी स्कूल में हुई, और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए बीच में एक दो स्कूल और भी इनका बदला गया था, और अंत में पुनपुन हाई स्कूल में इन्हें भर्ती कराया गया पढ़ने लिखने के लिए। पुनपुन क्षेत्र पटना से बहुत ही निकट है, और इस कारण कांग्रेसी नेताओं का वहाँ आना जाना अधिक हुआ करता था। महात्मा गांधी से लेकर के अब्दुल गफ्फार खां जैसे नेता आ चुके थे, और इसके कारण बचपन से ही वो देख रहे थे, बड़े नेताओं के बारे में सुन रहे थे, उन नेताओं के भाषण, उनके दर्शन, उनके बारे में जो कुछ भी चर्चा होती थी उसके कारण और भी अधिक राम गोविंद सिंह पर असर होता था। राम गोविंद सिंह की शादी भी हो गई थी, और शादी उनकी हुई थी पटना जिला के ही धनरुआ थाना अंतर्गत रामपुर गांव में। वहां के नामचीन काश्तकार थे राम बरन सिंह, और उनकी बेटी आशा कुंवर के साथ अगस्त क्रांति ये जो हुई अगस्त 1942 में, शहादत के 1.5 साल पहले बैसाख के महीने में शादी हुई थी राम गोविंद सिंह की आशा कुंवर के साथ। और फिर 11 अगस्त 1942 को अंग्रेजों की गोली खाकर, ब्रिटिश हुकूमत की गोली खाकर के शहीद हो गए। और इस तरह से आज़ादी में राम गोविंद सिंह ने भी अपना खून दे करके इसे सींचा, जिसके कारण 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। पुनपुन हाई स्कूल में अभी इनकी मूर्ति स्थापित है, वहां पर एक पार्क भी है इनके नाम से। इसके अलावा वहां एक हॉल्ट है जो इनके नाम पर बनाया गया है। आप द फ्रीडम पर देख रहे हैं खास श्रृंखला जिसका नाम है अगस्त क्रांति में बिहार, और ये सात शहीदों के बारे में जानकारी जो सचिवालय, पटना सचिवालय पर झंडा फहराते शहीद हो गए उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। द फ्रीडम पर शहीदों के बारे में सैकड़ों वीडियो उपलब्ध हैं। अगर आपकी रुचि इनमें है या आपके संपर्क में, आपके जानने वालों में ऐसे लोग हैं जो इस तरह का वीडियो पसंद करते हैं, जानना चाहते हैं क्रांतिकारियों के बारे में, शहीदों के बारे में, स्वाधीनता संग्राम के बारे में, उन तक इन्हें पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।